तो फाइनली गाइस हमारी बाइक राइड की पहली टनल आ चुकी है, वो सामने देख लो। एंड हो गया वहां पे, एंड हो गया। ये देखो, ये पूरा पूरा रास्ता नीचे चला गया था, ये दोबारा थोड़ा सा बना, वो देखो आधा आधा रास्ता पूरा चला गया था। मेरी आंख में ना मतलब पालमपुर के पास मैं बता रहा कीड़ा, वो कीड़ा ने मधुमक्खी काट गई, मेरे को लग रहा है रंगड़ी है मधुमक्खी, वो फूल गई आंख। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, आप देख रहे हैं अपने रघु भैया को। तो गाइस फाइनली जिसका इतने लंबे टाइम से वेट था वो आज पूरा होने जा रहा है। तो बाइकें देख लो आप, ये दोनों बाइकें लग गई हैं अपनी पारस भैया, और ये एक गाड़ी चली हुई है और अबू भैया ने उस गाड़ी को पीछे किया, ये अपने भैया चले हुए हैं। और कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, ले जा रहे हैं गाइस ले। बहुत टाइम के बाद, एक लंबे अरसे के बाद सोचा जो प्लान बाइकों में जाने का वो आज पूरा हो रहा है। पहले मैं जाया हूँ गाड़ी में, पर अब बाइकों भाई जो सपना पूरा करना ना वो इस बारी करके जाएंगे हम पूरा। और ये गाड़ी देख लो, ये गाड़ी है चली, इसमें सब कुछ है, टेंट है, स्टोव है, सब कुछ भरा पड़ा है, और अपना सामान भी है। और इसमें अक्षय भैया भी भरे पड़े हुए हैं। तो गाइस हम छह जने हैं आपको यहाँ पे, बोला उसके दे देंगे। हम छह जने हैं, आपको अभी पांच दिख रहे हैं, और चोपड़ा लेना हमने। बस 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 सारे तैयार हो चुके हैं। एक अच्छी सी आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम कहाँ चले, क्या सा फील हो रहा है, बहुत अच्छे, मेरे को कैसा हो रहा है। तो गाइस सारा खर्चा तेल का, गाड़ी का और बाइक का, दोनों बाइकों का अबू ने दिया हुआ है। अबू गायब ही हो गया, वो अबू को यहाँ भांडे मारने तो रख लिया, पजामा उतारा था। तो गाइस ये अपनी बाइक है, ये देखो दोनों बाइकें अपनी। तो गाइस ये मेरे को जबरदस्ती घर से उठा के लाया है, मेरा जरा मन नहीं था ले जाने का, पर मैंने सोचा चलो इनको हेल्प कर दूंगा रास्ते में। तो ये लेके आए, ये लेके आ गए हैं मेरे को। तो अब ये देखो इनके हाल बेहाल। तो चलो सेकंड टाइम ले का फल लेते हैं, ये अपने दोनों भाई, ये दोनों भाई अपने इस बार ये बाइकों में चले हैं, पिछली बार मैं चला था, इस बार मैं गाड़ी में जाऊंगा। चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में। One hour later. तो गाइस आ गए हम अपनी बाइक पे यार, निकल रहे हैं। गाइस पहले तो पता क्या हो गया, मेरी आंख में ना पालमपुर साइड में मेरी आंख में घुस गया था कीड़ा, और मेरी आंख फूल गई थी, बुरे हाल से मेरी आंख फूल गई थी, कसम से बुरे हाल से फूली हुई थी और अभी भी फूली हुई है। तो हमने जोगिंदर नगर क्रॉस कर दिया है और चले हुए साथ साथ में, देखो यार हम लद्दाख जा रहे हैं यार, वो भी अपनी जीटी पे। भाई विश्वास सा नहीं हो रहा कुछ ना, अजीब सा लग रहा है, अजीब सा मज़ा भी आ रहा है, और भाई रोडों को देख के ना मज़ा ही आ जा रहा कुछ। पहले मैं जाया हूँ, वैसे हम गाड़ी में जाया है पहले, दो साल पहले जाया हूँ, पर जो बाइक का फील है ना गाइस, वो बाइक का ही है यार। वो मैं जो जो बाइक में गया है ना लद्दाख, वो कमेंट डाउन कर दो कैसा फील आता बाइक में यार, कैसा फील आता बाइक में, वो जल्दी से जल्दी कमेंट डाउन कर दो। तो बस अब जोगिंदर नगर से आगे निकल आए, पहले सोचा था कुछ खाएंगे जोगिंदर नगर में, तो अब सोच रहे हैं सीधा मंडी लगाते हैं ब्रेक, मंडी से थोड़ा पीछे है एक ढाबा और ढाबे में खाएंगे खाना, ढाबे की रोटी अच्छी लगती है। तो गाइस यहाँ पे हम देखो कहाँ पहुँच गए हैं, मंडी पहुँच गए हैं, और नीचे आप नज़ारा देख सकते हो, एक तो धूल मिट्टी इतनी पड़ रही है ना, और हम मतलब इतना लॉन्ग राइड पहली बार कर रहा हूँ ना, मेरे हाथ इतने ही दर्द कर रहे हैं ना, इतने दर्द, ग्लव्स खोलूँगा ना तो लाल हुए पड़े होंगे, और मेरे पिछवाड़े की भी गेम हो चुकी है गाइस, बहुत बुरी गेम हो चुकी है। और आप देख सकते हो पीछे नीचे पानी चला हुआ है, भाई साहब पहली बार बाइक राइड पे, वो भी इतनी लंबी राइड पे, और पीछे आके हमारी गाड़ी चली हुई है, पानी देखो साइड में। तो गाइस यहाँ से मनाली है आपका 107 किलोमीटर और मंडी 5 किलोमीटर, और ये पुल देखो गाइस ये हिलता है पुल, मैं कल परसों देख रहा था रील इसकी, ये पुल हिलता है, और हम यहाँ से हो रहे हैं लेफ्ट की साइड को, और हम जा रहे हैं यहाँ से मनाली 108 किलोमीटर। देखो गाइस मनाली की तरफ निकल रहे हैं हम यहाँ से 108 किलोमीटर, और साथ में हमारे नदी चली हुई है साथ साथ में, ये देखो यहाँ चेक करो, वो देखो पानी का बहाव तेज है गाइस, बस रोड बंद नहीं मिले होने चाहिए हमें, बाकी तो सब कुछ ठीक है, ये देखो।
तो गाइस यहाँ से मनाली 86 और ले 512 किलोमीटर गाइस, बस अब एन रूट हो रहे हैं हम अपने ले ट्रिप के लिए। ये अपनी जीटी, एक जीटी ये चली हुई है, एक कार पीछे रह गई है, वो आ रही है अभी धीरे धीरे। बस अब पड़ गए हम रास्ते पे, अब बस निकलते जाएंगे बस। तो फाइनली गाइस हमारी बाइक राइड की पहली टनल आ चुकी है, वो सामने देख लो, पहली टनल आ चुकी है गाइस। और यहाँ भाई साहब, यस भाई, धीरे हो जाओ। अब आगे का व्यू चेक करो यार, सीधा निकलते व्यू चेक करना। ये लो गाइस व्यू देखो, टनल के बाद का व्यू चेक करो यार, सारी थकान दूर होगी, कसम से सारी थकान दूर होगी अपनी। सैंतीस किलोमीटर दूर है मनाली से हम, और पुलिस वाले से मैं खड़ा था, डोलू चाप बैठ गया नीचे, मैं कहीं पे चलान ना हो जाए, जाते जाते चलान ना हो जाए कहीं पे। तो ये देख लो, यहाँ होती है राफ्टिंग की, कहाँ होती है मेरे को ये नहीं पता, पूरा सूखा पड़ा हुआ है अभी ये सारा कुछ, पानी पूनी वाला थोड़ा बहुत है, पानी चला हुआ है, देखो पानी चला हुआ है वैसे। और आगे वो रास्ता भी दिख जाएगा जो पूरा पानी में, पानी के साथ निकल गया था पूरा रास्ता, ये देख लो पानी पानी, मैं पानी पानी हो गई। आगे आपको रास्ता दिख जाएगा मनाली में वो। तो गाइज ये रहा वो रास्ता गाइज, अब मैं दिखाता हूँ आपको ढंग से इसको, यहाँ देखो यार रास्ता दोबारा बन चुका है, आपने बाकी यूट्यूबर्स के ब्लॉग में भी देखा होगा, ये रास्ता दोबारा बन चुका है, ये देखो पूरा रास्ता नीचे चला गया था, यहाँ दिखाता हूँ आपको यहाँ जैसे होगा, ये देखो ये पूरा रास्ता नीचे चला गया था, ये दोबारा थोड़ा सा बना, वो देखो आधा रास्ता पूरा चला गया था नीचे, वहाँ दिख रहा होगा आपको। तो गाइस बस मनाली हम थोड़े दूर पहुँचने ही वाले हैं, मतलब थोड़ा सा यह भी बोर्ड आया नहीं है, पर हमने कोई घड़ियाँ पहनी नहीं है जिससे हमें पता लगे, बाकी मेरे बम में दर्द लग पड़ी है तो मैं ऐसे चला रहा हूँ। कुछ निकला ना हो बस, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बैग बहना ना पीछे। पर जहाँ पिछली बार आए थे ना हम गाड़ी में, तो यहाँ ग्रीन टैक्स वगैरह लिए गए थे हमसे, तो ये बंद है आज, है ही नहीं यहाँ पे, कोई है ही नहीं कुछ भी, पहले जो पीछे आया था वहाँ पे भी नहीं था, और ये दोनों भी बंद है। Years later. तो गाइस हम मनाली पहुंच चुके हैं, ये देख लो मनाली में चलते हुए हम। तो गाइस यहां पे अटल टनल पे पहुंचे थे, सीन हो गया हमारे साथ, बहुत गंदा सीन हो गया यार, टायर से हवा लीक हो रही है, और हमने सोचा था जिस पर रुकेंगे सीधा जाके, और ये अटल टनल गाइस अभी तक तो हम आगे भी नहीं गए हैं, तो रेस्ट ले लेते हैं यहीं, अब मनाली रुक लेंगे आज के दिन के लिए, और चलते मनाली देखते हैं, बाकी देखते हैं होटल उटल का करते हैं कुछ जुगाड़, पानी उधर इसका यार लीक हो रहा है, हवा लीक हो रही है। नहीं नहीं तो गाइस मैं बैठ रहा हूँ गाड़ी में, चोपड़ा चला रहा बाइक ये वाली जीटी, और पार्स चला रहा वो वाली। Later that same evening. ये रहा आपका माल रोड, और टाइम हो रहा है 11:43, मतलब 12 ही बजने वाले हैं, और ये देख लो इस टाइम पे कोई ट्रैफिक नहीं है इधर भी,
ज्यादा नहीं है, टूरिस्ट नहीं है क्योंकि मंडे है ना, सैटरडे संडे टाइप होता है मंडे इधर ट्रैफिक देख सकते हो। ये देखो और पीछे आ रहे हैं अपने बंदे, बाकी पीछे रह गए। ये दिखा रहा हूँ आपको, हम रूम दिखाऊंगा जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ रूम दिखाऊंगा आपको मनाली में। और टायर ठीक हो गया, टायर का क्या था, टायर का हुआ था, टायर का जो नट था ना, बॉल का नट जो था वो ढीला पड़ गया था, तो अगर होता तो आज हमने जिस पर निकल जाना था। तो बस भैया हम ही कर देंगे मालिश, हमें लगा दो पैसे मिल जाएंगे हमें इस टाइम हम ही कर देंगे मालिश बस यही बात है। और आपको होटल दिखाता हूँ जहाँ रुके हुए हम। गाइस ये हमारा कमरा रहा और यहाँ खलारा डाला हुआ हमने, ये देख लो, ये चेक कर लो, एक बेड ये है, 2000 रुपये में कमरा मिला है ये पूरा पूरा। ये देखो चेक करो, ये देखो ठीक है गाइस, ये देखो हम मॉल रोड घूमने गए थे हमने मनाली में, वो कर लिया था रेस्ट, स्टे ले ली थी, अब सुबह निकलेंगे जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाना, होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।